Hello students, welcome to e-classes of Learners Academy English School. In the previous videos, I explained about ascending order, descending order and how to write numbers in words and in figures. Now, I am going to start your new chapter, chapter number 2, long and short. See students, there are 4 ice cream cones. Can you tell me which ice cream cone is longer and which ice cream cone is shorter? See, the number 1 ice cream cone is a longer and number 3 ice cream cone is a shorter in height. Which one is longer? Kaun sa long hai? Wo batana hai. There are 2 cakes. The number 1 cake is a longer and number 2 cake is a shorter. And there are 2 pencils. One pencil is longer and another pencil is shorter. There are 2 trees. The one tree is a longer and another tree is a shorter in height. In which unit will you measure? कौन से यूनिट में आप मेजर कर पाएंगे ये हमें बताना है. सी एम मीन्स सेंटीमीटर, एम मीन्स किलोमीटर, सॉरी एम मीन्स मीटर, के एम मीन्स किलोमीटर. स्टूडेंट्स, किलोमीटर एंड मीटर जो लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ है वहाँ पे रखेंगे. जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें कहीं जाना है तो वहाँ पे मीटर एंड किलोमीटर यूज़ होगा. सी एम सेंटीमीटर जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे. नंबर 1, लेंथ ऑफ अ पेंसिल. पेंसिल की जो लेंथ है वो छोटी है, इजीली हम हाथ में पकड़ सकते हैं. देन वी राइट सी एम सेंटीमीटर. पेंसिल के प्लेस पे अगर पेन कलर्स लिखा है तो भी आंसर सी एम ही आएगा. नंबर 2, लेंथ ऑफ 500 रुपी नोट. आंसर इज सी एम. स्टूडेंट्स, 500 रुपी की नोट है वो इजीली हाथ में पकड़ सकते हैं, हाइट में छोटी है तो सी एम लिखेंगे. यहाँ पे डाउट होगा आपको कि 500 की जगह कोई और अमाउंट लिखा हो तो लाइक 50 रुपी, 1000 रुपी, 200 रुपी, 100 रुपी, तो भी आंसर सी एम ही आएगा. नेक्स्ट इज हाइट ऑफ कुतुब मीनार. सी स्टूडेंट्स, इट इज़ अ फोटो ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार है वो हाइट में बहुत ही बड़ा है, हम इजीली हाथ में नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे एम मीटर. देन नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ट्री. हाइट ऑफ ट्री भी बहुत ही बड़ी होती है, देन आंसर इज मीटर. डिस्टेंस ऑफ बस स्टेशन टू होम, आंसर इज किलोमीटर. अभी बस स्टेशन टू होम हो या होम टू बस स्टेशन, आंसर ही किलोमीटर ही रहेगा. सी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आया ना, तो डिस्टेंस में हम किलोमीटर या मीटर लिखते हैं. हम कहीं पे भी हमें जाना हो तो बाय बस, बाय कार या बाय बाइक जाते हैं, मीन्स हम कुछ दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे आंसर इज किलोमीटर. डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, आंसर इज किलोमीटर. सी स्टूडेंट्स, अहमदाबाद टू जयपुर के प्लेस पे कोई और सिटी, कंट्री या प्लेस का नाम हो तो भी आंसर किलोमीटर ही रहेगा. लाइक अहमदाबाद टू जयपुर की प्लेस पे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गोवा कुछ भी आ सकता है, तो आंसर इज किलोमीटर. नेक्स्ट इज कन्वर्ट. स्टूडेंट्स, अभी हमें कन्वर्ट करना सीखना है. कन्वर्ट इंटू सी एम, कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर. तो वो सीखने से पहले हमें 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter होता है ये याद रखना है. आप 5 times बोलेंगे 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter, ऐसे आपको 5 times बोलना है तो याद हो जाएगा 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter. सेम ही 2 meter इक्वल्स टू 2 multiplied by 100 cm इक्वल्स टू 200 centimeter. सेम ही 3 number दिया है तो 3 meter इक्वल्स टू 3 multiplied by 100 centimeter इक्वल्स टू 300 centimeter. सेम चीज़ हम 9 में करेंगे 9 meter में, सेम ही चीज़ हम 45 meter में करेंगे और सेम मेथड ही हम 73 meter में करेंगे. वैसे ही 8.4 meter में भी सेम मेथड ही यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू मीटर. स्टूडेंट्स, आपने कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर सीखा, अभी हम सीखेंगे कन्वर्ट इनटू मीटर. प्रीवियस जैसे हमने कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में क्या 5 times बोल के याद रखा था, 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter, तो मीटर में उल्टा होगा 100 centimeter इंटू 1 meter.
तो 900 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 मीटर, 500 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर, सेम ही 5600 सेंटीमीटर टू 56 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इमेजेस, कुछ फ़ोटोज़ ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखना है।